brought to you by Techno Camon 30 series. बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात हैं, उनका राज्य सरकार के दबाव में 3 दिन के अंदर ही बिना पहचान किए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज के दिन भी 40-45 डेड बॉडीज SMS हॉस्पिटल जयपुर में मोर्चरी में रखी हुई हैं। सरकार यह आंकड़े छुपा रही है। राजस्थान में हीट वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रदेश में 100 से भी कहीं अधिक ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले SMS में रोजाना की 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात हैं, उनका राज्य सरकार के दबाव में 3 दिन के अंदर ही बिना पहचान किए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज के दिन भी 40-45 डेड बॉडीज SMS हॉस्पिटल जयपुर में मोर्चरी में रखी हुई हैं। सरकार यह आंकड़े छुपा रही है और जब हाईकोर्ट ने हीट वेव से होने वाली मौतों के ऊपर मुआवजा देने की आदेश दिए हैं, उसके बाद से तो सरकार ने आनन फानन में जो अज्ञात डेड बॉडी जो हीट वेव से मौतें हुई हैं, उनके आंकड़े छुपाने के लिए, उनकी पहचान छुपाने के लिए कि मुआवजा नहीं देना पड़े, वो उनकी पोस्टमार्टम करा करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी, इस मामले को गंभीरता से ले और हाईकोर्ट से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि हाईकोर्ट इसमें और कड़े इंस्ट्रक्शन इस राज्य सरकार को दे, जो हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए विफल हो चुकी है और अब मुआवजा उनको नहीं दिया जाए इसके लिए प्रयास कर रही है। इसलिए राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फेल हुई है। हम लोग आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आंकड़े मत छुपाइए, हीट वेव से लोगों की बचाव के लिए प्रयास कीजिए और जो भी मौतें हुई हैं उनकी पहचान करके उनको उचित मुआवजा हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक आप दें, तभी राहत मिलेगी।